वाजिद ने तो कभी छुपाया नहीं है कि वो पाकिस्तान से नफरत करती है और बार बार ये बात कहती रही है। नमस्कार दोस्तों, इमरान खान की शेख हसीना से फोन पर बात होने पर खुशी से बावले हो रहे पाकिस्तानियों को हिलाली ने याद दिलाया है कि शेख हसीना पाकिस्तानियों से नफरत करती है और भारत के काफी करीब है। इसके अलावा हिलाली ने पाकिस्तानियों की इस बात पर खुशी मनाने को बचकाना बताया है और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। She was brought into power, India ने उसको लाए तो और हर लिहाज से हिंदुस्तान की दोस्ती उसके लिए हसीना के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो छोड़ नहीं सकती। ठीक है, तो नहीं लगता है कि पाकिस्तान के कोई करीब होने जा रहा है बांग्लादेश? देखिए, वो नहीं हो सकता है, दो तीन वजह ये है। पहले वजह ये है कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है बांग्लादेश में, मैंने सुना है कुछ हद तक, काफी हद तक वो हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद साहिबा को फोन किया और बताया जा रहा है कि कोविड-19 के हवाले से भी बात हुई, सैलाब के हवाले से भी बात हुई और ओवरऑल जो एक सिचुएशन है इस वक्त खत्ते में उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर पर भी उन्होंने बात की। ये सारी गुफ्तगू तो हुई है, 15 मिनट की कोई ये फोन कॉल थी और सब इसको बड़ा सराह रहे। ये भी बड़ा एक अलग सी बात थी कि पाकिस्तान के मामले में आमतौर पर देखा गया कि बांग्लादेश थोड़ी सर्दमेरी दिखाता है लेकिन इंडिया के साथ तो उनके बेहतर ताल्लुकात होते हैं, लेकिन इस दफ़ा इस वक्त हम ये देख रहे हैं सिचुएशन में कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की फ़ोन कॉल उन्होंने अटेंड भी की और अच्छे से उसे रिस्पॉन्ड भी किया। लाली साहब से जानते हैं कि क्या मामला है, क्या शिफ्ट होने जा रहा है इस रीजन में मामला। ये जो एक आइस मेल्टिंग से हमें नजर आ रही है, इसकी वजह क्या नजर आ रही है? कैसे हसीना वाजिद साहिबा ने फोन अटेंड भी किया, अच्छे से बातचीत भी हुई, आप समझते हैं ये कोई बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, हसीना वाजिद ने तो कभी छुपाया नहीं है कि वो पाकिस्तान से नफरत करती है और बार बार ये बात कहती रही है और सब चीज़ जो हुआ है बांग्लादेश में उस पर हम हसीना ने हमारे पे थोप दिया है। तो आप पूछ रहे हैं कि ये कॉल क्यों एक्सेप्ट की? ये तीन वजह है, कुछ ऐसा नहीं है कि उसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया है। पहला वजह तो ये है कि एक बड़ा स्ट्रांग लॉबी है बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया लॉबी है, वो एंटी इंडिया लॉबी हसीना के खिलाफ है और वो समझती ये है कि अब वक्त आ गया है कि इनको भी थोड़ा सा हम बताएं कि हम इनके खिलाफ नहीं है, या मेरे खिलाफ रहे हैं मगर मेरे ख्याल अब वक्त आ गया है इनके साथ भी शायद मिल के चलना चाहिए, इसलिए कि वो जो लोगों को टांगना था उसने टांग दिया। सही। दूसरी बात ये है कि वो सिग्नल करना चाहती थी हिंदुस्तान को कि ये जो तुम्हारा नया पॉलिसी है कि आसाम में जो बंगाली मुसलमान हैं उनको निकाल के तुम ऐसे ऐसे शर्त लगाए हो कि वो मीट नहीं कर सकते, लिहाजा तुम उनको वापस फेंक रहे हो बांग्लादेश में, ये गलत बात है। ठीक। और साथ साथ रोहिंगा के बारे में जिस किस्म का एटीट्यूड मूडी का, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरा उसका बर्डन बांग्लादेश पे आ रहा है तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये तीन बातें हैं जो मेरे ख्याल में वो बताना चाहती थी हिंदुस्तान को, अपने लोगों को और हिंदुस्तान को, और प्रोटेस्ट भी एक लिहाज से तो कर आपको रही नहीं है लगता है कि पाकिस्तान के कोई करीब होने जा रहा है बांग्लादेश? देखिए, वो नहीं हो सकता। पहले वजह ये है कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है बांग्लादेश में, मैंने सुना है कुछ हद तक, काफी हद तक वो हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। सुना ये है कि कुछ शायद हिंदुस्तानी है जो उसको गार्ड भी करते हैं, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि अगर हिंदुस्तान इनके को ये बहुत ही परेशान की। अच्छा। और अगर उन्होंने कोई इकोनॉमिक स्टेप्स दिए तो ये जो 8% ग्रोथ है और इकोनॉमिक नियम मिरेकल है ये भी तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली मेरे ख्याल में, शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा कह रहा हूँ, फाइनली मेरे ख्याल में हसीना इंडिया के साथ में वो पोजीशन में है जो गनी अमेरिका के साथ में है अफगानिस्तान में। शी वॉज ब्रॉट इन टू पा, इंडिया ने उसको लाए और इंडिया ने उसको हेल्प किया है तो और हर लिहाज से हिंदुस्तान की दोस्ती उसके लिए हसीना के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो छोड़।